23 ताश के 52 पत्तों की एक भली भांति फेंटी गई गड्डी में से तीन पत्ते निकाल ले गए हैं। इक्कों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं कि 52 पत्तों की जो भली भांति फेंटी गई गड्डी है उसमें से इक्कों की संख्या को हम x से दर्शाते हैं, अर्थात यहां हमारा यादृच्छिक चर एक्स क्या क्या मान ले सकता है? या तो कोई भी इक्का ना आए अर्थात 0 हो एक्स का मान, या 1 हो, एक इक्का आ सकता है, या 2 इक्के आ सकते हैं, या 3 इक्के आ सकते हैं। तीन पत्ते ही हमने निकालने। इस बात को पुनः समझें, हमने एक्स को क्या माना? एक्स को हमने माना कि जो गड्डी में से हमने पत्ते निकाले उनमें इक्कों की संख्या है। एक्स बराबर हमने माना है इक्कों की संख्या। अब यह संख्या क्या हो सकती है तीन पत्तों के लिए? या तो एक भी इक्का ना हो अर्थात 0 इक्का हो, या एक इक्का हो, या 2 इक्के हो, या तीनों इक्के हो। तो एक्स के जो मान होंगे वो 0, 1, 2, 3 ये हो सकते हैं। जो यादृच्छिक चर मान ग्रहण कर सकता है वो 0, 1, 2 या 3 हो सकते हैं। अर्थात हमें क्या क्या ज्ञात करना है यहां पे? प्रायिकता जबकि x बराबर 0 हो, प्रायिकता जबकि x बराबर 1 हो, प्रायिकता जबकि x बराबर 2 हो, और प्रायिकता जबकि x बराबर 3 हो। इन प्रायिकताओं को ज्ञात करना है तब हम प्रायिकता बंटन बना सकते हैं। अब प्रायिकता जबकि x बराबर 0 हो, इससे क्या अभिप्राय होगा? कोई भी इक्का ना आए, ताश के 52 पत्तों में 52 पत्ते ताश की गड्डी में होते हैं, उनमें 4 इक्के होते हैं। ये बात हमें ज्ञात है कि ताश के 52 पत्तों की गड्डी में 4 इक्के होते हैं। तो कोई भी इक्का ना आना, अर्थात पत्ते कितने बचे? 52 में से यदि हम 4 घटा दें तो 48 पत्ते ऐसे हैं घटाने के बाद जो इक्के नहीं है। तो 48 में से हमें पत्ते लेने हैं तीनों, तो वो क्या होंगे? 48C3। ये हमारी अनुकूल स्थितियां होंगी। 48 पत्तों में से हमें तीन पत्तों को चुनना है। कुल संख्या क्या होगी? कुल परिणामों की संख्या 52 में से तीन, 52 में से तीन पत्ते निकालना, 52C3। तो ये प्रायिकता होगी हमारी जबकि पी एक्स बराबर 0 है। पुनः इस बात को समझें, पी एक्स बराबर 0 से क्या मतलब है? कि चुना गया पत्ता, जो निकाला गया पत्ता है वो इक्का नहीं है। इक्का नहीं है अर्थात इन 48 पत्तों में से जो कि इक्के नहीं है उनमें से हमने तीन पत्ते निकाले, अर्थात जो तरीकों की संख्या है वो 48C3 होगी। कुल परिणामों की संख्या क्या है? ऐसे कुल कितने परिणाम हो सकते हैं? 42C3, क्योंकि तीन पत्ते 52C3। तो 52C3 ये हमारी पी एक्स बराबर 0 पर प्रायिकता है। अगली बात देखें, एक्स बराबर 1 अर्थात एक इक्का निकाला गया है। तो एक इक्का किसमें से निकलेगा? ये 4 पत्तों में से निकलेगा, 4 ही इक्के हैं। तो प्रायिकता क्या होगी? 4C1। इन 4 में से तो एक पत्ता निकाल लिया और 48 पत्तों में से हमने दो पत्ते निकाले हैं, तो इंटू 48C2 बटे 52C3 ये हमारी प्रायिकता होगी जबकि पी एक्स बराबर 1 है। एक्स बराबर 2 पर देखें, इन 4 पत्तों में से तो हमने दो पत्ते निकाले हैं, 4C2 इंटू 48 पत्तों में से एक पत्ता निकला बटे 52C3 ये हमारी प्रायिकता होगी। और x बराबर 3 पर क्या अभिप्राय होगा? x बराबर 3 पर क्या मतलब हुआ? कि तीनों ही इक्के निकल गए। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि हमारा प्रायिकता बंटन क्या है। यहां बना लेते हैं, x के मान तो हैं 0, 1, 2, 3
पी एक्स के मान क्या होंगे, 48 सी तीन बटे 52 सी तीन, ये मान है 4 सी एक इंटू 48 सी दो बटे 52 सी तीन, ये मान है x बराबर 2 पे 4 सी दो इंटू 48 सी एक बटे 52 सी तीन, ये मान है 4 सी तीन बटे 52 सी तीन। ये हमारे प्रायिकता बंटन की सारणी हो गई। इधर से इसको मिटा देते हैं। अब हम इन मानों को कैलकुलेट भी कर सकते हैं और या हम इन मानों को ऐसे भी रख सकते हैं। तो हम मानों को कैलकुलेट करते हैं, 48 सी तीन बटे 52 सी तीन। 48 सी तीन का अभिप्राय क्या है, 48 इंटू 47 इंटू 46 बटे 3 गुणा 2 गुणा 1 बटे 52 सी तीन अर्थात 52 गुणा 51 गुणा 50 बटे 3 गुणा 2 गुणा 1। ये कैंसिल हो गया 3 गुणा 2 गुणा 1, 2 से हम कैंसिल कर सकते हैं इसको, तो 2 से कैंसिल करने से ये मान आ गया 24, ये आ गया 26, 2 से पुनः काटे 12, ये मान आ गया 13, 2 से ये भी कैंसिल हो रहा है 23, ये मान हो गया 25। कैलकुलेट किया, एक दो नौ सात दो बटे 1675, ये मान आता है। तीन से हम और कैंसिल कर सकते हैं इसको, तो तीन से और कैंसिल कर दिया तो ये मान कितना आ जाएगा, 12972 डिवाइड बाई 3, 4324, तीन से इसको कैंसिल किया, 5525, ये प्राप्त करते हैं। तो इस मान को तो हमने लिख दिया 4324 अपॉन 5525, 4324 बटे 5525। इसको मिटा देते हैं और दूसरे को कैलकुलेट करते हैं, 4C1 का अभिप्राय हो गया 4, 48C2 48 इंटू 47 बटा 2 इंटू 1, 52 सी तीन का क्या अभिप्राय हो गया, 52 गुणा 51 गुणा 50 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 2 गुणा 1 से 2 गुणा 1 तो ये कैंसिल हो गया, 3 से ये कैंसिल कर सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21। अब 2 से ये कैंसिल किया, 2 ये आ गया 26, 2 से ये कैंसिल हुआ 13, यहां 2 से पुनः कैंसिल किया 24, ये आ गया 25, अर्थात मान क्या हो गया, 24 गुणा 47 तो हो गया 1128 बटे 13 गुणा 17 गुणा 25, 13 गुणा 17 गुणा 25 5525। तो इस मान को हमने लिख दिया 1128 बटे 5525।
इस कैलकुलेशन को भी मिटा देते हैं। अब हम उसको देखते हैं, 4C2 से अभिप्राय है 4 × 3/2 × 1 × 48C1 52C3 से क्या अभिप्राय है 52 × 51 × 50 / 3 × 2 × 1 तो 2 × 1 से 2 × 1 कैंसिल हो गया, 3 से 17 = 51 यहां 17 आ गया, 4 से हमने इसको काटा, 4 × 4 और 4 = 12 2 से पुनः कैंसिल कर सकते हैं, ये हो गया 24 और ये हो गया 25, तो मान कितना आ गया 3 × 24 72 × 13 × 17 × 25 5525। तो ये मान है 72 × 5525। इसको मिटा देते हैं, 4C3 4C3 का अभिप्राय है 4C1 अर्थात 4, 52C3 का अभिप्राय क्या है 52 × 51 × 50 / 3 × 2 × 1 4 से इसको कैंसिल कर दिया, ये हो गया 4 × 4 और 4 = 12 2 से ये कैंसिल हो गया 25, 3 से ये कैंसिल हो गया 17, 1/13 × 17 × 25 5525। ये मान 1/5525 है। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि हमारा अभिष्ट प्रायिकता बंटन है, x के मान तो हो सकते हैं 0, 1, 2, 3 और संगत प्रायिकताएं हैं इस प्रकार 4324/5525, 1128/5525, 72/5525 और 1/5525।